या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। 29 जुलै 2023 सुबह 4:30 बजे स्थल दुर्वेश आश्रुखाना 232 शनिवार पेड़ सोलापुर, यहां से 51 मशाल के साथ जुलूस निकाला। इसकी परंपरा 300 साल से चलती आ रही है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दूर दूर से लोग इस दरवेश सवारी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े पर बैठकर हाथ में झंडा लिए मशालों के बीच घोड़ा दौड़ता है। इस नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान परेशान रह जाता है। लोक प्रधान न्यूज चैनल को हाजी मकबूल मोहोलकर, इकबाल दुर्वेश, बाकर दुर्वेश ने सवारी के ताल्लुक से क्या कहा देखिए, इसका जायजा लिया है हमारे पत्रकार गफूर सौदागर। इन्होंने हर साल के मुताबिक इन साल भी मोहर्रम कमेटी शहर सोलापुर की क़यादत में पीर इमाम हुसैन दुर्वेश पंजे का मशालों का जुलूस बड़े शान शौकत के साथ दुर्वेश आश्रुखाना इकबाल क्लब शनिवार पेड़ से निकल रहा है। मैं तमाम अकीदमंद भाई माँ बहनों से गुजारिश है कि आप इस बाबरकत जुलूस में शरीक रहकर आप फैज हासिल करें और शुक्र का मौका दें। मोहर्रम कमेटी की जानिब से ये सब इंतज़ाम किया गया है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, आप आज मोहर्रम की 10 तारीख है, योम आशूरा है, मुतबरिक दिन है, योम आशूरा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन मनाते हैं, तो आज उसी नमूने से पूरे देश में और यहाँ पर पूरे सोलापुर शहर में जो नमूने से अल्लाह ने आज अपने को ये दिन नसीब किया है, आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज इस नमूने से सरकार के प्यारे नवासे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, उनका दिन मनाकर हम कौमी एकजुटी और बुजुर्गान दीन जो बताए हमको उसूल पर हम अमल कर रहे हैं, उसी नमूने से सर्वधर्म समभाव, हमारे में कोई बात भेदभाव न रहे, हमारे में भाईचारा रहे, हमारा देश और हमारा शहर अमन रहे, इसी नमूने से मोहर्रम कमेटी शहर सोलापुर यहाँ पर जो काम करते आई है उसके नमूने से आज भी उस नमूने से काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज यहाँ पहली जो आज दुर्वेश का आलम यहाँ से निकलने जा रहा है, उसके बाद शाम में और एक मरतबा दुर्वेश का आलम निकलने वाला है। तो मैं आप लोगों से आह्वान अपील करता हूँ कि आप लोग कसीर तादाद में शरीक होकर सवाबदार हासिल करें और इस मुहर्रम का त्यौहार याद हुसैन बड़ी शान शौकत के साथ मनाकर हम इस हमारे सोलापुर की और इमाम हुसैन की याद मनाकर आने वाले ज़िंदगी में सब लोगों को आप उसका फैज हासिल करें, ऐसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, खुदा हाफिज। ये कितने साल से परंपरा चल रही है? ये 800 सालों से परंपरा यहाँ पर हिंदुस्तान के हिंदलवली खाजा गरीबा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जो आलम लेकर उन्होंने दीन इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी आमद हो गई, तो 800 साल के बाद हर इलाके में अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो है याद हुसैन मनाने का तरीका अल्लाह वालों ने हमें सिखाया है। उसी नमूने से हमारे मालूम के हिसाब से 3 साल के अरसे से यहाँ पर जो है मशालों के साथ आलम जो निकलता है, इस मशाल का बहुत बड़ी अहमियत है कि आलम जब निकलना के पहले अगर मशाल छिलिया गई तो इमाम हुसैन इमाम हसन का आलम निकलता है, अगर मशालों के साथ कोई बात की दिक्कत आ गई तो आलम नहीं निकलता है। और मोहर्रम कमेटी उस ताल्लुक से ये इमाम हुसैन के जो अपना जो बाबरकत जो मशालों के साथ जो मुजाहरा करना एजिट के साथ जिस नमूने से नाकारा एजिट पलित एक आतंकवादी इंसान के साथ उन्होंने अपना हाथ पामाल रखकर अपना हाथ बाबरकत उन्होंने अपने वो जगह पर कायम रहकर नानक की फरमान के साथ अमल करे, इसलिए ये हाथ जो है इमाम हुसैन के नाम पर याद मनाते हैं और याद मनाते रहेंगे। लोग बोलते हैं ये बिद्दत है, इसके बारे में क्या करना है? लोगों को उसका इल्म नहीं है, बिद्दत के माने दीन में कोई चीज़ बदल करना है के माने वो बिद्दत होती है, शिर्क के माने अल्लाह की जात में शरीक करना वो शिर्क होता है। तो ना समझ लोग जो है जिनको दिल का इल्म नहीं है तो उस नमूने से वो लोगों ने अपना कुछ ख्याल बोलते हैं, उनको ये समझना चाहिए उनके बाप दादा उनके असबाब जिस नमूने से आज तक काम को अंजाम दिया है, आज कुछ थोड़ी सी कुछ मालूमात देखकर कुछ बच्चे पढ़कर कुछ बातें बोलते होंगे,
को खुद समझना चाहिए अपन कितनी अपनी कद है, कितनी हैसियत है, उतनी इसमें जब अपन बात करना जरूरी है। मैं हाफिज वकारी शाह मोहम्मद बाकर हुसैन दुर्वेश खादरी दुर्वेश सवारी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के यहाँ से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा आलम दुर्वेश आशुर खाने से निकलता है और हर साल के मुताबिक इस साल भी यहाँ से जो है बड़ी शान और शौकत से निकलेगा और सभी हजरात यहाँ पर मौजूद होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर बड़ी शान और शौकत से निकलेगा। यहाँ पर जो आलम निकलता है तकरीबन यह आलम दुर्वेश आशुर खाने से जो आलम निकलता है कम से कम 200 साल से यहाँ पर जो है आलम निकलता है यहाँ से, और कम से यहाँ पर जितने जायरीन आते हैं मशालों के साथ और तमाम जितने जायरीन हैं अपने मशालों के साथ यहाँ अपनी शान व शौकत से आकर नारा तकबीर लगाते हैं, इमाम हुसैन याद हुसैन लगा कर जो है अपना जुलूस को कामयाबी से कामयाब बनाते हैं। और ये हज़रत सैदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तोहफ़ा है जो हम सब को अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदक़े तोहफ़े से हम सब को इमाम हुसैन की जो है जुलूस में शिरकत होने की तौफीक अता फरमाता है। ये कितने पीढ़ी से चल रहा है ये यहाँ पर जो जुलूस चल रहा है तकरीबन 150 से 200 साल से यहाँ पर जुलूस चल रहा है और आज तक कोई भी ऐसा यहाँ पर हादसा वगैरह नहीं हुआ। बहुत सारे जायरीन आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, मशालों के साथ जो है शान और शौकत से जुलूस निकलता है और कामयाब हो जाता है। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेमिया पाया ताहरी मटन बिर्याणी मटन शीख चिकन 65 आदि मेन्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राईस बीफ चीज अंगुरी बडेमिया स्पेशल मटन मटन अंगारा मटन कढी खिमा मसाला चिकन मध्ये चिकन राइस चिकन मालवणी स्पेशल बडेमिया चिकन चिकन चीज अंगुरी चिकन टिक्का चिकन हैदराबादी बटर चिकन कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पत्ता हॉटेल बडेमिया विजापूर बेस सोलापूर